हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम मैं हूं अरुणा और फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही हेल्दी डिज़र्ट फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जो कि बहुत सिंपल है तो बनाना शुरू करते हैं तो एक बड़ा सा पैन या कढ़ाई आप कुछ भी ले सकते हैं तो मैंने कढ़ाई में आधा लीटर दूध लिया है और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर तो ये पिल्स परी का मैंने लिया है आप कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं और दूध को हम हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें से मैं आधा कप दूध अलग से एक बाउल में निकाल लूँगी दूध को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है या आधा कप दूध में अब हम कस्टर्ड को मिक्स करेंगे जो कस्टर्ड पाउडर है तो ये मेरा दूध क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था इसलिए मैंने इसे हल्का सा गर्म किया और ये जो आधा कप दूध मैंने निकाला है इसमें दो बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर के हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल लंप फ्री पेस्ट तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है और फ्रूट से बनता है तो आपके बच्चे अगर फ्रूट वैसे नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप बना के उन्हें खिला सकते हैं और एज अ डिज़र्ट ये बहुत ही टेस्टी लगता है कभी भी आप खा सकते हैं जब आपका मन करे तो अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर को दूध के अंदर और कढ़ाई में जो मैंने दूध डाला है अब हम उसमें डाल देंगे चीनी तो यहाँ पर चार से पाँच चम्मच में चीनी का यूज़ कर रही हूँ और इस दूध को हम बॉईल आने तक पका लेंगे तब तक चीनी भी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से तो इसमें हमें बॉइल लेकर आना है एक या दो बॉइल आ जाए तो तब तक चीनी भी मेल्ट हो जाएगी तो यहाँ पर दूध में बॉइल आ चुका है ये देखिए और जो हमने कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बना के रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके हम इस दूध में डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे और दो मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये दूध का जो पूरा बैटर है वो हल्का हल्का गाढ़ा होने लग जाएगा और दो मिनट तक हम इसे पकाएंगे उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस पूरे दूध के मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर तो ये कस्टर्ड जो है अच्छे से बन चुका है और गैस की फ़्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ऐसे ही और यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स कट करके रखे हैं तो थोड़े से अनार लिए हैं कीवी लिया है बनाना लिया है एप्पल लिया है और थोड़े से ग्रेप्स लिए हैं आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या कोई और फ्रूट आपकी पसंद का तो ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पर और अब हम ये जो सारे फ्रूट्स हैं जो हमने कट करके रखे हैं वो सब हम इसमें मिला देंगे अच्छे से आप इसमें ऑरेंज भी डाल सकते हैं या जो भी आपको फ्रूट्स पसंद हो वो डाल सकते हैं आप इसमें और मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको और लगभग दो घंटे के लिए हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए क्योंकि ठंडे होने के बाद ये डिज़र्ट रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप लोग भी जरूर बना के ट्राई करिए एक बार बहुत ही सिंपल और यमी रेसिपी है और ठंडा होने के बाद आप इसे सर्व कीजिए तो गाइज मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ